So hello officers, welcome back in lecture number 9. So अब हमने दो chapter कर लिए हैं, fluid its properties और fluid statics, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो हमने दो chapter खत्म कर लिए। कौन कौन से? पहले पढ़ लिया fluid properties, उसके बाद हमने पढ़ा फ्लूड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? नॉन मूविंग फ्लूड की एनालिसिस की हमने, नॉन मूविंग फ्लूड। और अगर फ्लूड नॉन मूविंग है तो म्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, विस्कोसिटी नहीं होगी उसमें, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो इसमें बेसिकली हमने प्रेशर डिस्कस किया है ना, अलग अलग लॉज डिस्कस किए। तो ये करते हुए के बाद हम लोगों ने ब्यांसी डिस्कस करते हुए स्टेबिलिटी लैब पर ला करके खत्म कर दिया। यानी कोई चीज स्टैटिक फ्लूड में डूब रही है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, फ्लूड काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? देखो, काइनेमेटिक्स का मीनिंग ये है, मूविंग फ्लूड cause of motion is ignored। एक एग्जांपल से अगर बताऊं मैं आपको, देखो एक सिंपल था वो लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट था जिस पे हमने एक फोर्स लगाया एफ, इस ऑब्जेक्ट का मास था एम, तो ये एक्सीलरेशन ए से चलने लगा और चलते चलते ये आफ्टर सम टाइम पहुंचा पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है ना। इस बीच में इसने एक डिस्टेंस था टी, टाइम लगाया टी, फाइनल वेलोसिटी मान लो इनिशियल वेलोसिटी यहां से शुरू किया था तो यू था और फाइनल वेलोसिटी वी था। तो देखो, जब हमने इस फोर्स को इग्नोर कर दिया, हमने इस फोर्स को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, है ही नहीं है। हम सिर्फ देख रहे हैं एक्सीलरेशन है, कुछ टाइम लगा, कुछ वेलोसिटीज इन्वॉल्व है और मास को भी नहीं देख रहे हैं, कोई मतलब ही मास से और डिस्टेंस। तब इसे बोला हमने काइनेमेटिक्स। और जैसे ही हमने मास का और फोर्स को देखा तो हम कहां पहुंच गए? काइनेटिक्स में। तो हम कहां पहुंच गए? काइनेटिक्स में। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगर हम इस काइनेटिक्स और इस काइनेमेटिक्स को मिला दें, इसे ही बोलते हैं डायनेमिक्स। आई बात समझ में? तो अभी हम फिलहाल काइनेमेटिक्स में, यानी फ्लूड डायनेमिक्स में हम घुस चुके हैं, बट उसके अभी किस पार्ट में है? काइनेमेटिक्स के पार्ट। ओके, चलो। सो क्या क्या टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं? इसमें बहुत और काफी टॉपिक्स हैं, शायद तीन लेक्चर लगे। तो कौन से दो अप्रोचेज हैं, कितने टाइप्स के फ्लो हैं, वेलोसिटी कंडीशंस देखेंगे, है ना। कार्टेशियन में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, सिलेंड्रिकल में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, कुछ फ्लो लाइंस होती हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, और एक्सीलरेशन इन कार्टेशियन और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम एक्सीलरेशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो द टू अप्रोचेस क्या है बेसिकली? एक अप्रोचेस है लैग्रेंजियन, एक अप्रोच है लैग्रेंजियन और दूसरा अप्रोच है आयलेरियन। दूसरा अप्रोच क्या है? आयलेरियन। सो बेसिकली शॉर्ट में अगर बोले तो लैग्रेंजियन क्या करता है? लैग्रेंजियन ट्रैक्स ईच
पार्टिकल्स या ईच पार्टिकल फिट्स यहां से फ्लूड आ रहा है सो लाइन अप्रोच क्या करेगा देखेगा कहां गया यहां है दूसरा क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो सीधी बात है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो क्या बताता है टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रॉपर्टीज ये आपको स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो बताता है ना अगर हम एग्जांपल लें कुछ तो हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए डेल वी बाई डेल टी एनी प्रॉपर्टी जस्ट एनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज एक्स एक्स इज अ प्रॉपर्टी इज जीरो इंडिपेंडेंट नहीं है दिस इज स्टेडी एंड इफ डेल एक्स बाई डेल टी नॉट जीरो है
नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अब ध्यान से देखना, पहली चीज यहां प्रॉपर्टी नहीं है, यहां पे क्या है वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन लोकेशन, इफ डिपेंड्स ऑन लोकेशन उसे क्या बोलेंगे हम, इफ डिपेंड्स नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक, इफ डजंट डिपेंड ऑन लोकेशन, अगर लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन इज डन, ऑब्जर्वेशन इज डन फर्स्ट सेकेंड। अब देखो यहां पे क्या है, एट अ स्पेसिफाइड टाइम, या काम करते हैं सीक्वेंस को मेंटेन रखते हैं, सीक्वेंस को मेंटेन रखते हैं ओवर 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 अ रेंज ऑफ लोकेशंस, ओवर अ रेंज ऑफ लोकेशंस। दूसरा क्या है, एट अ फिक्स्ड टाइम, सो टाइम इज फिक्स, यहां पे क्या है टाइम फिक्स है और लोकेशन हम चेंज कर रहे हैं, एक ही समय में हम मल्टीपल लोकेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, जबकि स्टडी में क्या था एक ही लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ओके। सो अगर हम बोले कि एक्स कोई प्रॉपर्टी है तो खैर एक्स प्रॉपर्टी की जरूरत तो है नहीं, यहां तो क्या है डेल वी डिवाइड बाय डेल एस, यहां एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं बताता हूं मैं आपको, इफ दिस इज जीरो क्या बोलेंगे, इफ दिस इज जीरो तो हम इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। और डेल वी बाय डेल एस नॉट जीरो क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। राइट, सो ये क्या दिखाता है, लोकेशन डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी। हाँ यहां एस क्या है वो एक बार बता देता हूं मैं, एस क्या है बेसिकली स्पेस एक्स वाई या जेड, यह है एस। ठीक है, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट, वन डी टू डी एंड थ्री डी फ्लो। अब वन डी है टू डी है थ्री डी है, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्पेस
कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड आउट ऑफ एक्स वाई और जेड, इन तीनों में से टू स्पेसिफाई वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। आई बात समझ में? अगर कभी केवल x, केवल y या केवल z है, x और y और z, xy और yz और zx, xyz, है ना? अगर केवल एक है तो हम इसे बोलेंगे 1D, दो है तो 2D, और तीन है तो 3D, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फोर लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। सो बेसिकली लैमिनार का मतलब होता है लेयर्ड फ्लो। लेयर्ड फ्लो माने लेयर्ड फ्लो स्पेसिफाइड पाथ, स्पेसिफाइड एंड डिस्टिंक्ट पाथ, बहुत ही क्लियर पाथ समझ में आएगा, दिखेगा, नो मिक्सिंग। ये लैमिनार के गुण हैं, गुण यानी कि लैमिनार की क्वालिटीज हैं, है ना? वेल डिफाइंड एंड नॉन इंटरसेक्टिंग पाथ पे चलने वाले फ्लूड हैं ये। वहीं अगर हम टर्बुलेंट की बात करें तो सबसे पहले नॉन लेयर्ड फ्लो, पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन बट बल्क फ्लूड फ्लोज इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ओके, हैवी मिक्सिंग, इसमें क्या होती है? हैवी मिक्सिंग होती है ना? स्ट्रीम लाइन्स, नॉन इंटरसेक्टिंग पाथ्स और स्ट्रीम लाइन्स, यानी को नॉन इंटरसेक्टिंग पाथ और जबकि यहां क्या है? मिक्सिंग है, तो काफी है मेरे ख्याल से, इतना काफी है ना? सो दिस इज द लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, डिसाइड कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर इन वेल्स
सिचुएशन, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर इन बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर इन वेरियस सिचुएशंस, ठीक है। नेक्स्ट, चार हो गया, पांच, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। एक लाइन में अगर बोलूं, इफ इनविजिबल पार्टिकल्स, इफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स रोटेट रोटेट अबाउट देयर, इफ इंडिविजुअल पार्टिकल लिखो, पार्टिकल रोटेट अबाउट देयर नहीं इट्स ओन, इट्स ओन एक्सिस, देन इट इज कॉल्ड इरोटेशनल वहीं पे इफ इंडिविजुअल पार्टिकल doesn't rotate about its own axis but may rotate about axis of a bulk flow। इस केस में इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल। ओके, नाउ सिक्स्थ, अभी हम आपको बस जनरल एक बातें बता रहे हैं, कुछ चीजें यहां बाद में एक्सपेंड अच्छे से एक्सप्लेन होंगी, फॉर्मूला वर्मूला निकलेगा, और कुछ तो खैर जितना यहां है उतना ही रहेंगी। एक पॉइंट यहां लिख लें, जनरली इरोटेशन होने के लिए या तो वो आइडियल फ्लूड हो, आइडियल फ्लूड ऑलवेज इरोटेशनल, या अगर रियल फ्लूड हो, इफ रियल फ्लूड रियल फ्लूड के देखो इफ लग गया, फ्लूड हैविंग नो वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट, ये इरोटेशनल के लिए जरूरी है। ओके, नाउ सिक्स्थ, सिक्स्थ इज कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। Compressible and incompressible
इनकंप्रेसिबल फ्लो। सो एक टर्म है आएगा आगे, टर्म ये है, हम ऐसे लिख सकते हैं इफ टोटल डेरिवेटिव, जिसको हम मटेरियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, मटेरियल डेरिवेटिव इज किसका, डेरिवेटिव किसका, डेंसिटी का, कंप्रेसिबिलिटी रिलेट्स टू डेंसिटी ऑफ डेंसिटी इज जीरो। अगर ऐसा इट इज डी रो बाय डी टी, इफ दिस इज जीरो, किसी भी कारणवश अगर ये जीरो होता है तो उसे हम बोलते हैं जीरो हो गया ना, इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल फ्लो। और वहीं पे अगर ये, मैं पूरा शब्दों में नहीं लिख रहा हूं, इफ दिस जीरो बाई डी टी इज नॉट जीरो, इफ दिस इज नॉट जीरो देन दिस इज कंप्रेसिबल फ्लो। अब यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर कोई कंप्रेसिबल फ्लूड है, कोई कंप्रेसिबल फ्लूड है, कंप्रेसिबल फ्लूड यानी फ्लूड कंप्रेसिबल है, लेकिन जब वो फ्लो रहा है, कंप्रेसिबल फ्लूड में फ्लो लाइक एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूड, इनकंप्रेसिबल फ्लो यानी कि इनकंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल यानी वो फ्लूड तो कंप्रेसिबल है, उसे इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, बट अगर वो फ्लो कर रहा है सो ड्यूरिंग फ्लो क्या हो, इनकंप्रेसिबल हो। एक्चुअली क्या कर सकते हैं, मान लो हम इस डीरो बाई डी टी को अगर एक्सपैंड करें तो हमें क्या मिलेगा, सो ये होता है मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ रो, ये होता है डीरो बाई, ये कैपिटल है यार, स्मॉल पता नहीं, स्मॉल लिखा है कैपिटल लिखा है मुझे खुद ही नहीं मालूम चलता। ओके तो डीरो बाई डी ये होता क्या है बेसिकली, देखो मटेरियल डेरिवेटिव है ना, यानी कि सबके रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे आता है, डीरो स्मॉल डीरो बाई डी टी प्लस यू इंटू डो बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल रो बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल रो बाई डेल जेड। सो कैपिटल डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू डी, डी नहीं ये डेल होगा, डेल रो बाई डेल टी, ठीक है। सो दिस इज दी तो जब ये, अब देखो दिस इज पॉसिबल ना, देखो ध्यान से समझना, क्या ये पॉसिबल है दैट डेल रो बाय डेल एक्स इज नॉट नेगेटिव, इज नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। सो डेल रो बाय डेल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, डेल रो बाय डेल टी नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है। सो दैट मीन्स फ्लूड इज कंप्रेसिबल, क्योंकि रो जो है फ्लूड की प्रॉपर्टी है और ये डी रो बाय डी टी ये फ्लो की प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या मालूम चला, अब हमने क्या, हमने जब कैलकुलेट किया, इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये दोनों मिलके जीरो आ गए, या ये सारे मिलकर जीरो आ गए।
अगर मिलकर जीरो आ गए तो फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल बट फ्लूड वॉज कंप्रेसिबल। आई बात समझ में? सो दिस वे दिस वी सी। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ फ्लो हमारे आई थिंक सारे के सारे हो गए। अब वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स, इम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो देखो पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता क्या है भाई, एक्स वाई जेड। और अगर स्पेस टाइम की बात करें, स्पेस टाइम, तो बस उसमें हो जाएगा एक्स वाई जेड और टी, सब कुछ इसी में डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखते हैं, पोजीशन, तो पोजीशन कैसे लिखेंगे, एस इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स वाई जेड एंड ऑफ कोर्स टीवी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या पोजीशन है। बट यहां हमारा फॉर्मूला हमें वेलोसिटी का लिखना है, तो बेसिकली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप। ये इन जनरल हम लिखते हैं। ओके इसे हम इन जनरल लिखते हैं। अब यहां जो u v एंड w है, u v एंड w, दे कैन बी फंक्शन ऑफ, दे कैन बी फंक्शन ऑफ x y z एंड t। ठीक है ना, आई बात समझ में? दे कैन बी फंक्शन ऑफ x y z एंड t। पर डिस्ट्रैक्शन आ गया था, एक्चुअली कुछ कॉल आ रहे थे मेरे फोन पे। ओके नाउ हमने u अलग से निकाल लिया, v निकाल लिया और w लिया। तो एक होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, सो ये तो आपको पता है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर आप गौर कर रहे हो तो अब आप एक चीज देखेंगे, अब हमने वेलोसिटी की बात करना शुरू कर दिया है। तो वेलोसिटी की बात करना शुरू कर दिया है, दैट इज व्हाई दिस सेक्शन इज काइनेमेटिक्स, राइट, क्योंकि अब हमने वेलोसिटी की बात करनी शुरू कर दी। तो फ्लूइड पहले रुका था तो स्टैटिक्स था, फिर चलने लगा तो काइनेमेटिक्स था, लेकिन अब आगे और क्या देखेंगे, चल भी था। आई बार समझ में, क्यों चल रहा है यार, अभी हम उस क्यों को इग्नोर करके चल रहे हैं तो काइनेमेटिक्स। चलिए नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं, ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी, तीन, पहले तो जो तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो देखो क्या होते हैं, होते हैं r, थीटा और z, दीज आर दी थ्री कोऑर्डिनेट्स। v क्या होगा भाई, v होगा v r, r कैप प्लस v थीटा, थीटा कैप प्लस v z, z कैप। ये तो हो गया आपका बेसिक सा फॉर्मूला। अब देखते हैं vr क्या होगा। तो वी आर बेसिकली क्या होगा, वी आर बाई डी टी, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल और उसका डिफरेंशिएशन। वी थीटा क्या होगा, इसको याद रखना है, होता है आर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, या आर डी डी टी ऑफ थीटा। और वी जेड क्या होगा, सिंपली डी जेड बाई डी टी। ओके ये आपका वेलोसिटी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसको भी याद रखो, रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्टेशियन तो सबको याद रहता है ना, खिलाड़ी तो वो है जिसको सिलिंड्रिकल भी याद रहे। ओके फिर नेक्स्ट देखते हैं,
फ्लो लाइंस। तो हम एक काम करते हैं, फ्लो लाइंस देखेंगे अगले, अब मैं थोड़े छोटे वीडियोस बनाऊंगा अराउंड हाफ एन आवर के, एक दिन में दो तीन वीडियो डालूंगा, तो हाफ एन आवर का वीडियो आई थिंक ओके है, ठीक है। तो अब यहीं पे छोड़ते हैं, ओके। सो वेरी थैंक यू वेरी मच कि आप आए, आपने देखा, और आई होप कि आपको जो चाहिए वो मिला हो, ठीक है। शेयर करिए लोगों के साथ, आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।